अगर तुहाडे कोल आईटीआर नहीं है तो तुसी कैनेडा टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो या नहीं, ये सवाल काफ़ी लोगों का है दोस्तों। सो सब तो पहले मैं तुम्हें दस देना चाहूँगा कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की चीज़ है। इससे पहले भी आप काफ़ी विचार कर चुके दोस्तों, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एक यहोजा डॉक्यूमेंट है जो हर एक इंडियन सिटीजन सबमिट करवाना पैंदा है। इनकम टैक्स रिटर्न एक अहम डॉक्यूमेंट मनिया गया है कैनेडा की टूरिस्ट वीजा की डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग दे विच। वाई बिकॉज उन्होंने वेरीफाई करते हैं, और जहाँ लोगों की वेरीफिकेशन नहीं होंगी है लाइक फेक आईटीआर होंगी है उन्होंने बैन तक कर दिया जाता है कैनेडा गवर्नमेंट वालों। सो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न जहाँ लोगों को नहीं है वो लोग की कर सकते हैं, उन्होंने वास्ते एक ऑप्शन है कि अपनी फ्रैश आईटीआर फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप करवा किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोलो। आईटीआर फोर टाइप्स दिया मेजरली आपको देखने को मिलती है, आईटीआर वन, आईटीआर टू, आईटीआर थ्री, आईटीआर फोर, फाइव, सिक्स, सैवन भी होंगी, लेकिन आपको बारे इतने गल हले नहीं करा। सो उन्होंने लोगों को मेरी गुजारिश है दोस्तों कि तुम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इमीजिएटली अपनी फिलअप करो। आईटीआर 2021 असैसमेंट ईयर 2021 की आईटीआर हले भर सकते हो, इमीजिएटली भरो, और नेक्स्ट आईटीआर अप्रैल के भर सकते हैं जो कि 2021-22 की होगी। तुहाडे कोल दो आईटीआर हो जाएगी और प्लस तुहाडा बैंक स्टेटमेंट जी है उन्होंने भी मेनटेन करना शुरू करो। आफ्टर 3-4 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा एप्लीकेशन। हुण सवाल इत्थे आता है कि कई लोगों के कोल इनकम टैक्स रिटर्न जी है निल दी होंदी है, उन्होंने डाउट होंदा है बिकॉज उन्होंने काफ़ी मैसेजिज आते होंगे, काफ़ी कॉल्स आती है कि सर साडी आईटीआर निल है, निल यानी 5 लाख तो थले, साल की 5 लाख इनकम तो थले। उन्होंने ये डाउट है कि सर साडा वीजा आएगा या नहीं आएगा। सो दोस्तों ये तुहाडा एक बहुत वड्डा वहम है, इनू मैं अज क्लैरीफाई इस तरीके कर सकता कि लाइक किसी इंसान की सैलरी 40,000 पर मंथ है, साल की वो बन गई 4,80,000 रुपया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने टैक्स लाइबल नहीं है, वो टैक्स नहीं पे करेगा। बट यह मतलब यह नहीं है कि अगर वह हम टैक्स नहीं पे होया तो उन्होंने कोई वीजा भी नहीं मिलेगा। नो, 25,000 रुपीज सैलरी जिस इंसान की है वो कोल भी अच कैनेडा वीजा है। सो दैट्स नॉट इंपोर्टेंट कि हाँ भी आप टैक्स जो देवे तो ही वीजा आएगा, एक मिथ है, इस मिथ को प्लीज छोड़ दो। इस तो अलावा कुछ लोगों की क्वेरी सी सर हाउ मच सैलरी और इनकम इज इन फॉर टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट वीजा वास्ते तुहाडी किन्नी सैलरी किन्नी इनकम होनी चाहिए है। सो दोस्तों एज सच कोई भी एक अमाउंट फिक्स नहीं की गई है। मैं अपने करियर के एक इंसान का वीजा अप्लाई किया जिंद कि सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपया सैलरी सी, उन्होंने स्पॉन्सरशिप आई हुई थी कैनेडा तो एंड ही गॉट वीजा। सो काफ़ी चीज़ें मैटर कर दी। रही गल बैंक बैलेंस की, यस बैंक बैलेंस सानू कोई 4 से 6 लाख रुपया अगर रखते हैं फॉर सिंगल एप्लीकेंट वास्ते दैन इट्स गुड, तुहाडा वीजा ग्रांट हो सकता है, इन्नी क रिक्वायरमेंट जरूर हैगी है, ठीक है। सो इस तों अलावा तुहाडा कोई दोस्तों होर कोई भी डाउट हो तुसीं नीचे कमेंट सैक्शन के अपना डाउट लिख सकते हो, या मैनू कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, या ईमेल कर सकते हो। वीजा आप इतना प्यार बख्शन दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। और तुहाडे वास्ते एक होर खुशखबरी है कि दोस्तों एक वीजा हिंदी चैनल तुहाडे सारे वास्ते लॉन्च कर दिता गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक देता गया है, जो लोगों ने हाल तक सबसक्राइब नहीं किया वो वीजा हिंदी में सबसक्राइब कर सकते हैं, उत्थे सारिया वीडियोज़ हिंदी आउणगियां। आने वाले दिनों मैं खुद उस चैनल के जरूर आऊँगा, तुहानू सबना रूबरू होऊंगा। वीडियो देखने दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।